हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडीफाई आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे आईटी एक्ट 2000 के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो को पूरा देखता है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपको किस तरह का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू केम के इन फोर्स ऑन

वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु साइन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड तो भारत के किस प्रेजिडेंट ने साइन किया था आई टी एक्ट टू थाउजेंड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के आर नारायणन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर अ मेजर अमेंडमेंट टू आई टी एक्ट टू थाउजेंड वॉज मेड इन दर एक मेजर अमेंडमेंट हुई थी आई टी एक्ट में तो आपको बताना है वो कौन से ईयर में हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी टू थाउजेंड एट और इसी अमेडमेंट में एक सेक्शन सिक्सटी सिक्स को भी यहाँ से स्टक ऑफ किया गया था और क्या था ये सेक्शन ये सेक्शन डील करता था विद सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस ठीक है है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अमंग द फॉलोइंग मैसेजेसिश अंडर आई टी एक्ट टू रिजोल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द लॉ एक ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर आई टी एक्ट जिसका काम था टू रिजोल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द लॉ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेक्शन 66 ए ऑफ़ 2000 स्ट्रक 2015 in which case? So, केस तो किस के अकॉर्डिंग जो था उसको कर दिया गया था आईटी एक्ट से तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और सेक्शन नंबर सेवन इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 नाइन चाइनीस मोबाइल एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक इन्वॉल्विंग विच सेक्शन ऑफ आई एक्ट तो वर्ष 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने किस सेक्शन के अकॉर्डिंग 59 नाइन चाइनीज एप्स को बैन किया था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 69 ए बाकी की सेक्शन को भी हम देख लेते हैं सिक्सटी सिक्स ए डीज करता है विदिंग ऑफेंसिव मैसेजेस और सेक्शन एफ डील करता है विद साइबर टेररिज्म ये भी आपको याद रखना है साइबर टेररिज्म ठीक है और सेक्शन सेवेंटी टू ए डील्स विद ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी का कंटेंट ऑफेंसिव लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ब्लॉक कर सकता है इस तरह के कंटेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाटा प्राइवेसी रूल्स वॉज इंट्रोड्यूसड इन आई टी एक्ट इन द ईयर तो डाटा प्राइवेसी रूल्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू थाउजेंड इलेवन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट तो डिजिटल सिग्नेचर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है तो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन टू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड इज एक्ट नंबर डैश ऑफ टू थाउजेंड तो कौन सा एक्ट नंबर था राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी इलेवंथ सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ द आई टी एक्ट टू थाउजेंड इज सेक्शन ट्वेंटी रिन्यूल ऑफ लाइसेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ अंडर विच सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट ऑफ स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन और डिजिटल एसेट को स्टील करना एक साइबर क्राइम माना गया है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन सिक्सटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इज द नेम ऑफ द आई टी लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आई टी एक्ट तो कितने शेड्यूल्स है इन आई टी एक्ट इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर शेड्यूल्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म तो साइबर टेररिज्म के साथ सेक्शन सिक्सटी सिक्स एफ डील करता है तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट डील्स विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन सिक्सटी सेवन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच एक्ट इन इंडिया फोकस ऑन डाटा प्राइवेसी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कौन सा एक्ट डील करता है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई टी एक्ट टू थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन वट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का इसका टेन कितना रहता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइव इयर्स नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन द सेक्शन डील्स विद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड तो कौन सा सेक्शन डील करता है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन फोर तो ये था आज का वीडियो सेशन अगर कोई नया हमारे वीडियो सेशन को देख रहा है तो प्लीज़ वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े स्टडीफाई नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप वहाँ पर जरूर जुड़े और अगर कोई कंपाइलेशन लेना चाहता है प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चंस की जिसमें थ्री थाउजेंड प्लस प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है अगर कोई इसे भी लेना चाहता है तो वो भी जरूर कमेंट करे तो दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन एंड थैंक यू सो मच